केएफसी का चिकन तो खाए होंगे आपने, कभी सोचा है कि और क्या क्या चिकन फ्राइज हो सकता है? पारसी प्रजाति का एक टाइप का चिकन फ्राई होता है जिसको हम कहते हैं मरगिना फारचा, एक चटपटा सा स्नैक जो आप केचप या तो हरे चटनी के साथ खा सकते हो। तो चलिए आज मरगिना फारचा बनाते हैं। तो चिकन फरसा बनाने के लिए आप चिकन लेग पीस अगर नहीं है तो कोई भी पीस से बना सकते हो। बस ये ध्यान में रखना कि पीस थोड़ा बड़ा होना चाहिए और विद बोन होना चाहिए। मैरिनेशन के लिए सारे मसाले, जिंजर गार्लिक पेस्ट और नींबू का रस एक साथ डाल के अच्छे से मिक्स करके 4 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेशन के लिए छोड़ना है। अब जैसे देख रहे हो कि चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया। अभी इसमें हम और 1 टेबल स्पून नींबू के रस डालेंगे। उसके बाद अच्छे से ब्रेड क्रम्स से इसको कोट कर देंगे। क्रम्स अगर आपके पास नहीं है तो आप टोस्टेड ब्रेड से भी बना सकते हो। घर पे कोई भी ब्रेड को अच्छे से टोस्ट कर लेना, उसके बाद उसको पीस लेना। नहीं तो आप रस्क बिस्किट ला सकते हो। रस्क बिस्किट को अच्छे से पीस लेने से भी आपको ब्रेड क्रम्स बन जाएगा। ब्रेड क्रम्स से कोट करने के टाइम पे यह ध्यान में रखना कि अच्छे से कोटिंग होना चाहिए, नहीं तो बराबर से पकेगा नहीं या तो फ्राई नहीं होगा। इसके बाद हम लोगों को एग वॉश बनाना है। एग वॉश क्या है? दोनों अंडे को फोड़ के उसको अच्छे से बीट कर लेने से हम लोगों को एग वॉश मिलता है। इसमें थोड़ा सा नमक डालिए और आपका एग वॉश रेडी। छोटे से कोई एक कढ़ाई में अगर अच्छा रहेगा, अगर आपके पास छोटा कढ़ाई है तो, नहीं तो नॉर्मल से कढ़ाई में आपको तेल डाल लेना है और उसको गर्म होने तक के लिए छोड़ देना है। यह सारे चिकन को हमको डीप फ्राई करना है तो कढ़ाई में तेल ज़्यादा रहना चाहिए ताकि चिकन प्रॉपरली डीप हो जाए और अच्छे से फ्राई हो। तेल जैसे ही गर्म हो जाए एक एक करके चिकन का पीस हम लोगों को उठाना है और अच्छे से एग वॉश में डिप कर लेना है। चिकन को लो से मीडियम आंच में पकाना है और कलर जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए उसे निकाल लेना है। प्लेटिंग करो और बन गया आपका गर्मा गर्म मार्गिना पारचा।